नमस्कार, लोअर सुबनसिरी के जितने भी भाषी हैं, और मैं आप सबको ये मैसेज देने से पहले ये मीडिया हाउस सबको और जो मीडिया प्रतिनिधि है उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग का तरफ से हमें ये संदेश देना पड़ रहा है या हमारा लोअर सुबनसिरी के वासियों को। और मैं इस आपकी आवाज और अमावा कतरों से मैं हमारा जितना भी लोअर सुबनसिरी के लोग हैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बर्निंग इश्यूज है, उसको लेके आज हमारा ओल्ड लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो आवाज उठाने जा रहा है फॉर द काउज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा लोग के लिए, बल्कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ के लिए नहीं और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है उन सभी के लिए भी हम आवाज उठाने जा रहा है। माई सेल्फ मिस्टर लिसी तयो, प्रेसिडेंट ओल्ड लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, एंड ये मेरा जीएस है दुयु खोदा जनरल सेक्रेटरी, और मेरा कन्वेनर इखा ताकू, और मेरा स्पोक पर्सन तबा धोनी। हम सब आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये बैठने का जो मकसद है उन सभी को मैं अभी बताऊंगा। आज हमारा ओल्ड लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने एक फैसला लिया है कि हम सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिलके एक रेजुलेशन लेके आया है, वन पॉइंट रेजुलेशन जो लेके आया है कि हम लोग ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इस बार जो क्योंकि इन फेमस जो पोटिन टू बोफी जो रोड का इश्यूज को हम लोग टेकअप करने जा रहा है, और इस रोड का इश्यूज को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन बना के दिया था हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग दिया था, और कॉफी टू दोनों ऑनरेबल सर को हम लोग दिया था, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग हमारा डीसी को, एडीसी को, सभी को दिया था। तो रिप्रेजेंटेशन दिया वाला अभी ऑलमोस्ट दो महीना पार हो गया, दो महीना से ज्यादा हो गया, तो अभी तक भी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का कुछ नतीजा निकला नहीं। तो इसलिए हमारा जो प्रेजेंट जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, तो हम लोग अभी डिप्टी कमिश्नर को हमारा लोअर सुबनसिरी का जो अल्टीमेट जो अथॉरिटी है उसको हम लोग एक अल्टीमेटम के तौर पे सबमिट किया है। ये अल्टीमेटम हमने ये सबमिट किया है आज डिप्टी कमिश्नर जीरो को, इसको मैं अभी आप सबका सामने में रीड आउट कर दूंगा और इसमें क्या है क्या नहीं है हम आप सबको बता दूंगा। ये द डिप्टी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो, हम लोग अल्टीमेटम दिया है, even after our repeated plea, that is all Lower Subansiri district students union Alsdsu, to your good office the concerned authority is yet to address our grievances. हम लोग का जो grievances place किया था उसको अभी तक हम लोग को address नहीं किया है, इसलिए हम लोग की ultimatum दिया हुआ है। Now the thing is that, now that the report of FCC fact finding committee जो बोल के एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जो एक बनाया था कमेटी, रीवेरिफिकेशन कमेटी एक बनाया था, हेडेड बाय ए के सिंह डीसी लोअर सेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ताह पोर्टिन बोफी फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 43.35 पोर्टिन से जो अन्या गेट का जो कॉम्पेंसेशन जो इश्यूज है उसको रीवेरिफिकेशन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाया था, तो बना के वो लोग ने पूरा रिवेरिफिकेशन कर लिया था। तो उसका करने का बाद वो लोग गवर्नमेंट को भी सबमिट किया है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कुछ इनिशिएशन हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग आज डीसी के सामने में तीन पॉइंट को लेके हम लोग अल्टीमेटम दिया है। नंबर वन, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ ऑल पेक बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांस अरुणाचल हाईवे कंपनसेशन स्कीम। आप सब मालूम है आज हर घर में, हर
हर आदमी का जुबान में हमारा लोअर सुबनसिरी का नाम खराब हो गया। हमारा लोअर सुबनसिरी एक बदनाम डिस्ट्रिक्ट बन गया। क्यों बोलने से ये कंपेंसेशन इश्यूज को लेके, तो इसलिए हम अभी गवर्नमेंट को ऑलरेडी हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए, लेकिन नहीं लिया अभी तक। और इसलिए हम आज लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हम लोग डीसी को ये सबमिट कर रहे हैं कि जितना भी बैक बेनिफिशियरीज है उसको जैसे भी अभी अरेस्ट करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। इसमें हम लिखा है टाइम एंड अगेन वी हैव बीन मेकिंग दिस डिमांड। हम पहले से डिमांड को करके आ रहे हैं। द टाह कॉम्पेंसेशन इशू इज ए मल्टी करोड़ स्कैंडल इन्वॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, कॉमन फोल्क, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक लीडर्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल्स, विच हैज बैफल्ड एंड शेम्ड नॉट ओनली अस बट इट हैज ऑल्सो पुट अवर पीसफुल स्टेट टू बैड लाइट एट नेशनल लेवल टू। एज से द जीनियन बेनिफिशियरीज, पैक बेनिफिशियरीज, एक्सेसिव बिलिंग, फोर्ज एंड पैक शुड बी सेग्रीगेटेड। इसमें हमने लिखा है कि जो पैक बेनिफिशियरीज था उसको एक अलग सा सेग्रीगेशन एक करना है, लिस्ट बनाना है। और अभी हम देखा है एक पैक पाइंडिंग कमिटी का रिपोर्ट से एक्सेस बिलिंग है, एक्सेस बिलिंग अभी नोटिस दे रहा है गवर्नमेंट का तरफ से, ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, उसको उसमें से पैक कौन है, पैक बेनिफिशियरीज कौन कौन है उसको अलग से लिस्ट करना है। उसका बाद जो एक्सेसिव बिलिंग स्ट्रक्चर होके भी जिसका एक्सेस बिल किया है उसको अलग से लिस्ट करना है। उसका बाद और जो फोर्ज, जो जिसका पास कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लैंड नहीं है, तभी भी उसका नाम में जो कॉम्पेंसेशन आया है उसको अलग से सेग्रीगेशन करके लिस्ट बनाना है। और जो जीन्युइन बेनिफिशियरीज, सच का जो जीन्युइन पब्लिक, जो ऐसे किसी को ना ऑफिशियल को बात किया ना किसी को बात किया, पहले से जो बैठ के आ रहा है, जो राइट ऑफ वे का अंदर में जो सेटलमेंट लेके बैठ रहा है, उन सभी जीन्युइन बेनिफिशियरीज को एक अलग से लिस्ट बनाना है। बना के हम लोग ये मांग होगा कि बना के जो पैक बेनिफिशियरीज है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, एकदम उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन स्ट्रिक्टली लेना है। उसका बाद जो फोर्ज जो बिल बनाया है, जो जिसका लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, जो किसी का नाम में बनाया है, वो सबको फोर्ज जो बनाया है उसको भी एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। उस हिसाब से जो एक्सेसिव बिलिंग हुआ है, जिसका लेंथ है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, लेकिन भी एक दूसरा तरीका से बना के जो बिल ज्यादा बना दिया है उसको अलग से करके जो रिकवरी अभी जो नोटिस दे रहा है उसको रिकवरी करना है। और अगर उसमें भी कुछ एनोमलीज मिलने से उसको भी एक्शन लेना है, ये हम लोग का बात है। और इसमें ऐसे है नंबर टू में, ये नंबर वन हम लोग का डिमांड था। और नंबर टू, इमीडिएट अरेस्ट एंड सस्पेंशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन टाह स्कैम, ये हम लोग नंबर टू है। इसमें दिस मल्टी करोड़ स्कैम कुड नॉट हैव बीन हैपन विदाउट द टच ऑफ सम हैंड फ्रॉम दोज हु आर इन द इक्वलम ऑफ पावर्स, जिसका मैंने जो पावर में है उसका बिना ये स्कैम जो नहीं होना था। बोलने का मतलब ये है कि इसमें गोप्त ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है, गोप्त ऑफिसर जो इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये स्कैम हुआ है। कोई भी पब्लिक अपना से बिल बनाता नहीं है, जो भी बेनिफिशियरीज, जितना भी बेनिफिशियरी, वो लोग कभी अपना से बिल नहीं बनाता है, बिल बनाया है गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग ने ही ये स्कैम को मेरा हिसाब से वो लोग ही इनकरेज किया है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है इन्वॉल्व है इसमें, टॉप से लेके बॉटम तक सभी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और एक्शन का साथ साथ उसको सस्पेंशन करना है। आज तक हम देखा है दो तीन ऑफिसर को हम लोग सुना दिया है कि आपका अरेस्ट किया है उनके, लेकिन उसका सस्पेंशन ऑर्डर हम लोग अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इसलिए जिस ऑफिसर को अरेस्ट करता है उसको तुरंत सस्पेंशन करना है, सर्विस में से सस्पेंशन करना है, और उस सस्पेंशन ऑर्डर को पब्लिकली कर देना है, ताकि कल को जो आने वाला ऑफिसर्स लोग है वो लोग भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहे
कि मेरा साथ भी ऐसे ना हो, इस तरह का एक प्रिकॉशन मेजर्स लेके बैठे, इस तरह का एक एक्शन लेना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। और ये ताह स्कैम जो हम लोग सडनली बोलना पड़ रहा है कि इसमें किसी किसी जिनियन बेनिफिशियरीज को सच में बहुत डिप्राइविंग हुआ है, क्योंकि हम लोग सबको देख रहा है, अभी जितना भी जनता है आप सब भी मालूम है कौन सच्चे कौन गलत है। इसलिए जो गलत किया है उसको सजा जरूर देना है। अभी हम देखा जाने से गलत जो करने वाला को उल्टा सजा नहीं देखे, जो गलत नहीं है उसको भी गलत ठहराने के लिए कोशिश भी बहुत कर रहा है। इसलिए ये सब चीज को गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एक थीम बना के, स्ट्रिक्टली उसको गाइडलाइंस देके एक स्ट्रिक्ट एक्शन का साथ मूव करने से बहुत अच्छा रहेगा। ये है नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3, इमीडिएट स्टार्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अलोंग टाह ऑफ लोअर सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। हम लोग देखा है कि हमारा इसमें पोतिन तो अन्या गेट में इतना करोड़ पैसा बेनिफिशियरी को दे दिया, और अभी देखने से ज्यादा देके एक्सिस उल्टा पेमेंट करके और रिकवरी ये में है, सिचुएशन में है गवर्नमेंट, उल्टा रिकवरी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा असली का बात पूछने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ अभी लैंड ही नहीं, वो लोग लैंड एक्विजिशन किया ही नहीं। इसलिए हम लोग ये थर्ड पॉइंट को स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलता है कि आप लोग जबकि आप पेमेंट कर दिया बेनिफिशियरीज को, वंस आप बेनिफिशियरीज का अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दिया तो आप उस लैंड को आप ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेना है, उसको एक्विजिशन कर लेना है, करके आपका अंदर में रहने देके जितना भी बाहर से जो भी लीडर्स आता है उनको प्रीली जितना भी कंट्रेक्टर है प्रीली काम करने का आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कर देना है। ये नहीं होने की वजह से अभी हम उस दिन कंटिन्यूसली हम लोग फॉलो अप करके देख रहे हैं कि हमारा उसमें ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे में जब 3 पैकेज का वो लोग बना के टेंडरिंग किया है तो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है। क्यों पार्टिसिपेशन नहीं किया है बोलने से हमारा लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है कि सुनने से फर्म लोग ये डर में है कि कल को हम ये पैकेज को ले भी लेगा लेकिन वहां का पब्लिक लोग हमको काम करने का मौका नहीं देगा तो हम ये काम को लेके हम क्या करेगा, वो एप्रिहेंशन रह के पार्टिसिपेशन नहीं किया है बोल के हम सुना है। तो इसलिए अभी फिर पैकेज 3 को फिर पैकेज 9 नौ पैकेज बना के छोटा छोटा पैकेज बना के वो लोग अभी फिर से टेंडरिंग कर रहे बोले। तो इसलिए ये टेंडरिंग को भी सक्सेस होने देने के लिए हम लोग लैंड एक्विजिशन को क्लियर कट करना पड़ेगा। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक क्लियर मैसेज भेजेगा, हाँ मेरा पास अभी पूरा लैंड हम एक्वायर कर लिया, अभी जो भी काम करना है फ्रीली कर सकता है, उसमें पब्लिक का कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अभी हम लोग का कंट्रोल का अंदर में है, कोई भी आके काम कर सकता है, इस तरह का अगर एक मैसेज हम लोग दे देगा तो कोई भी पाम बहुत सारा पाम पार्टिसिपेशन करने के लिए रेडी रहेगा और आके काम करने के लिए रेडी रहेगा। इसलिए उस सब एटमोस्फियर को, अच्छा काम करने का एटमोस्फियर को बनाना होने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। और इसमें लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको करने के लिए प्रॉब्लम भी फील नहीं करना है, क्योंकि पेक हो जो भी हो जिनियन हो पैसा तो सबको अभी दे दिया, सब लोग का पास में, सब बेनिफिशियरीज का पास में ट्रांजेक्शन हो गया, अभी उल्टा तो आप रिकवरी कर रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को शुरू करना है। ये 3 पॉइंट को लेके हम लोग डीसी को 15 डेज का अल्टीमेटम दे रहा है। अब तक 15 डेज फार होने का बाद आज से लेके 28 सितंबर तक 15 डेज होता है, 15 डेज फार होने का बाद हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं होगा कि हम लोग जाके डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग को एक कंपल्सन कर रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम को बदनाम तो कर दिया, हमारा एरिया का नाम को बदनाम कर दिया और हमें बदनाम कर दिया, आप सब जनता लोग को जितना भी यहाँ लॉर्ड सबनसिरी का वासी लोग को पूरा बदनाम कर दिया, क्यों किया है बोलने से
हम तो बोलता है क्लियरली, अभी आप लोगों के सामने में बोल रहे हैं, मेन वीकनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, और नंबर टू जो जो ऑफिसर जो इन्वॉल्व था जिसको बिलिंग बनाने का, वो सब जिस जिस अथॉरिटी दिया था उसने कंपेंसेशन ये करने के लिए, उसको डिस्पर्स में जिस जिसको पावर दिया था उन लोगों ने मिसयूज किया है, और नंबर थ्री गिना चुना लोग, लीडर्स, पब्लिक लीडर्स, बिजनेसमैन, जो गिना चुना लोग हैं, उन लोग ने ये सभी जो स्कैम को बोलू की अंजाम दिया है। उन लोगों का वजह से हम लोग अभी तक हैम्परिंग हो रहा है, हमारा रास्ता खराब, हमारा और यहाँ से चे डिस्ट्रिक्ट जाता है, कुरुंग में करा दादी कामले अपर सुबनसिरी, हमारा लोअर सुबनसिरी खुद तो यूज करता है, ये सभी को, सभी का पब्लिक को हम लोग को हरासमेंट दे रहा है। तो इसलिए ये वोटिंग टू अन्या गेट का जो स्ट्रेस है, इसका अभी पेट पाइंडिंग जो कमिटी रीअसेसमेंट करके जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट का बेसिस से उसको एक्शन जल्दी इनिशिएट शुरू करना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा, और उसका बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसआईसी जो टीम है उन सभी को भी हम ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अरेस्ट करता है तो, किसी को भी अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने का साथ साथ आप एक दिखा दीजिए कि पब्लिक को, हाँ इस आदमी को भी हम अरेस्ट किया, अरेस्ट करके ये आदमी का गलत ये है, उसको सजा दे रहा है, इस तरह का एक मैसेज भी दे रहा है पब्लिक तक जानने देना है, हाँ गलती करने वाला को पकड़ के इतना तक सजा देता है। आज तक हम देखा है एक दो ऑफिसर लोग को जो इन्वॉल्व था उसको अरेस्ट किया है, उनके सुना है, लेकिन अरेस्ट करते ही सब लोग बीमार पड़ जाता है, किसी को भी ना लोकअप में रखता है, रखने वाला को हम देखता है ना कहां में, कहीं में जेल में रखने वाला को देखता है, अरेस्ट होने का साथ साथ मेडिकल में एडमिट कर करके रख देता है, मेडिकल से जस्ट बीमार तो रातिक होते ही बेल होके फिर निकल जाता है, आराम से फिर घूमता है। ऐसे अरेस्ट करने से कौन उसको धरेगा, कौन लोग को अवॉइडिंग करेगा? इसलिए मेरा तरफ से ये क्लियर कट एक मैसेज दे रहा है कि अब अरेस्ट करता है तो स्ट्रिक्टली उसको सजा देना है, ताकि पब्लिक भी देख के, हाँ जो पब्लिक का पैसा खाया है, जो पब्लिक का पैसा को मिसयूज किया है, उस आदमी को पकड़ के एटलीस्ट इतना तक तो सजा दे रहा है, ऐसे महसूस होने तक, और वो ऑफिशियल्स और वो जो पैक आदमी लोग जो सोसाइटी का खिलाफ, जो डेवलपमेंट का खिलाफ जो करने वाला लोग को, उसको भी एक सबक मिले कि इन फ्यूचर हम अगर पब्लिक का जो पैसा को, पब्लिक का जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज को हार्म करने से सजा हमको कैसे देता है, उस आदमी को भी एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए। ये मेरा तरफ से अपील है। और इसमें ये अल्टीमेटम का बाद एक्सपायरी होने का बाद हम आप लोग का तरफ से हम सभी आज हम अपील कर रहे हैं, मेरा जितना भी फेडरल मेंबर्स लोग है, मेरा जितना भी लाइक माइंडेड एनजीओ है लोअर सुबनसिरी का, यहाँ हम लोग का एक जैसे अपाटनी का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है आया है, और निशी स्टूडेंट यूनियन का निशी का यूथ का एक यूनिट है वो लोग को, और जितना भी सोसाइटी सैंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन लोग है उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी आ जाइए हम लोग का साथ इस लड़ाई में, और जितना भी जिन्यून जो बेनिफिशरीज लोग है उन सभी को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप भी इनपुट दीजिए हम लोग को कि क्या है क्या नहीं है, उस चीज को हम लोग लेके, ताकि कल को हम लोग आपका जस्टिस के लिए, हमारा जितना भी यहाँ जो लोअर सुबनसिरी का जो इमेज जो चला गया उसको हम लोग रीगेन करने के लिए, जो ग्लोरी हम लोग लॉस किया है उसको रीगेन करने के लिए, एटलीस्ट हम लोग ये हाईवे को सक्सेसफुल होने तक हम लोग काम कर सके, इसमें आप सभी का योगदान चाहिए होगा, हर एक सिटीजन का योगदान चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का योगदान चाहिए। इसलिए ये अल्टीमेटम डे खत्म होने का साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डर का साथ हम एक बार फिर मीटिंग बुलाएगा आप सभी का, सभी का राय लेगा, उसका बाद हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम तभी बात करके ये खड़ेगा। तो इसलिए मैं हमारा जितना भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उन सभी को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब भी
रेडी रहिए उसके लिए, क्योंकि हम लोग एक कमिटमेंट लेके आया है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, हम लोग का जो सोसाइटी में जितना भी हमारा आदमी है उन सभी के इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम करने के लिए हम लोग कसम खाया है, और हम लोग जितना भी स्टूडेंट्स का जो इश्यूज है उन सभी को हम लोग, डेवलपमेंट का जो इश्यूज है उन सभी को हम लोग जब काम करने का जब हम लोग थाम लिया और कसम ले लिया तो हम लोग कभी इधर उधर नहीं होना है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब एकता हो जाइए, और सभी पब्लिक लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब भी हम लोग का साथ ये जीनियम इश्यूज को अंतिम तक सक्सेसफुल होने तक आप सभी का योगदान चाहिए होगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा प्रेसिडेंट को हम सप्लीमेंट करके हम लोग का यहाँ में जितना हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी में जितना जनरल पब्लिक है उससे मेरा अपील है कि अगर कंसर्न ऑथोरिटी 15 डेज तक हमारा अल्टीमेटम को अगर नहीं मानता है तो आप लोग भी साथ हम लोग का देना पड़ेगा, देना चाहिए, क्योंकि आवर डिमांड इज वेरी सिंपल, वी वन रोड, हम लोग को रास्ता चाहिए। प्रॉब्लम्स देखिए बता के नहीं आता है। अगर आपको इमरजेंसी जाना होगा, कोई मेडिकल केस हो, चाहे कुछ भी केस हो, बच्चा का एडमिशन हो, आपका आना जाने के लिए आपको रोज चाहिए, अगर रोज ही नहीं तो आप कैसे पहुंच पाओगे। सी रेस्ट ऑफ द स्टेट को देखिए, कुछ हो ना हो या मत हो रास्ता तो सही होता है, बट वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर इट। हम लोग अपना रास्ता के, आप हमारा रास्ता देखिए कि आप लोग जब गाड़ी में जाता है तो आप लोग को अच्छा लग रहा होता है क्या? इसलिए आप लोग से एकदम क्लीन निवेदन है, सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, दैट इज ऑल ओवर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। ऑल्सो हम ये भी अपील करते हैं कि जो हमारा यहाँ से होके जाता है, पहले जैसे बोला वाला हम लोग का यहाँ में 6 डिस्ट्रिक्ट टच होता है, पपुम परे हम लोग का अपना लोअर सुबनसिरी, उसके बाद कमले कारा दादी कुरुंकुमे अपर सुबनसिरी, और ये हम लोग का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उन लोग से भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक कहावत है, तो इसमें हम लोग को रोज चाहिए, और जब हम लोग रोज मान रहे हैं तो इससे आप लोग भी गुजरेगा और आप लोग के लिए भी सही होगा। इसलिए जब ये मोमेंट हम लोग शुरू करेगा उस समय आप लोग प्लीज इसका ऊपर में कोऑपरेट कीजिए। यही हम लोग ऑल ओवर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से एक सिंसियर अपील है, एंड आई बिलीव हम ये विश्वास भी कर रहे हैं कि हम लोग को जनरल पब्लिक और हम लोग का रेस्ट ऑफ द जो हम लोग का नेबर डिस्ट्रिक्ट लोग स्पेशली ये मोमेंट को हम लोग अच्छा रास्ता के लिए आप लोग हम लोग को जरूर साथ देगा। थैंक यू।